तो दोस्तों मोटो जी 45 और गैलेक्सी F15 5G की प्राइसिंग की बात करें तो 4GB रैम वाले वेरिएंट पर ही लगभग 3000 का फर्क देखने को मिलता है। अगर 8GB रैम वाले वेरिएंट पर जाते हैं तो लगभग 5 या 6 हज़ार रुपये का फर्क यहां आ जाता है। तो क्या महंगा होने के बाद F15 5G वाकई मोटो जी 45 से बेहतर है, या फिर मोटो जी 45 सस्ता होने के बावजूद भी कुछ पॉइंट पर F15 को या फिर पूरी तरह से F15 को बीट करता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के इनबॉक्स आइटम्स की। तो F15 5G में आपको बॉक्स के साथ कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, वहीं मोटो जी 45 में मिलता है आपको एक 20 वॉट का चार्जर जो कि USB 2 टाइप सी है। इसके अलावा आपको एक सिलिकॉन कवर भी यहां साथ देखने को मिलता है, यानी कि यहां G45 F15 से बेहतर है। तो भाई डिज़ाइन की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज एकदम डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन के साथ आते हैं। F15 5G में आपको मिलता है ग्लॉशी फिनिश, डायरेक्ट सनलाइट में टिल्ट करने पर थोड़ा सा लाइंस बनती हैं सतरंगी, तो काफ़ी प्रीमियम फील होता है। G45 की बात करें तो बैक पर आपको मिलता है वीगन लेदर लुक, और फील करने में भाई वाकई एकदम अलग ही फीलिंग आती है, और G45 भी काफ़ी प्रीमियम फील होता है। अभी एक मैं क्लोज लुक आपको दे देता हूँ और यहाँ से आप जज करिए कि आपको इनमें से कौन सा डिज़ाइन पसंद आता है, क्योंकि डिज़ाइन हमेशा ओपिनियन पर ही डिपेंड करता है। कैमरा शेप की बात करें तो दोनों में ही छोटे छोटे कैमरा लेंस दिए हैं जो कि पर्सनली मुझे पसंद है। इसके अलावा बैक पैनल की बात करें तो F15 5G में थोड़ा सा राउंडेड बैक पैनल दिया है, जबकि G45 में एकदम प्लेन सरफेस दिया है बैक पर। राइट साइड में दोनों में ही पावर बटन, इसके अलावा वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन दिए हैं। पावर बटन के ऊपर ही साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। बॉटम पर 3.5 का हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट, मीडिया स्पीकर, लेफ्ट साइड पर सिम और SD कार्ड स्लॉट, दोनों ही डिवाइसेज यहाँ हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आते हैं। टॉप पर आपको मिलेगा एक सेकेंडरी माइक, और यहाँ अगर डिमेंशन की बात करें तो उस कंडीशन में G45 काफ़ी बेहतर है। ग्रिप काफ़ी अच्छी बनती है मोटो G45 पर, और काफ़ी हैंडी है F15 5G के कंपैरिजन में, फिर चाहे वो स्लिमनेस की बात हो या फिर हो वेट की। डिस्प्ले की बात करें तो भाई यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि F15 5G में आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, G45 आता है IPS डिस्प्ले के साथ। अब कंपैरिजन क्यों नहीं बनता वो आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हो। F15 में मिलते हैं आपको काफ़ी पंची कलर्स, कलर प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है एमोलेड डिस्प्ले का एज़ कम्पेयर टू IPS डिस्प्ले, और G45 का डिस्प्ले इंडिविजुअली मैंने यूज किया है काफ़ी बेहतर है, लेकिन यहाँ F15 5G के डिस्प्ले के सामने थोड़ा सा वॉश आउट सा नज़र आता है। इसके अलावा अगर ब्राइटनेस की बात करें तो वहाँ भी F15 5G का डिस्प्ले ब्राइटर है मोटो G45 से। हालांकि कुछ पॉइंट पर मोटो G45 का डिस्प्ले भी F15 5G से बेहतर है, जैसे कि नॉच टाइप की बात करें तो G45 में आपको मिलता है पंच होल डिस्प्ले, F15 5G में वही पुराने टाइप का टाइप यू नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो यहाँ पर G45 बेहतर लगा। एंड टू एंड व्यू एक्सपीरियंस की बात करें तो उस कंडीशन में पतले बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे मोटो G45 में, और F15 यहाँ भी थोड़ा सा पीछे रह जाता है। इसके अलावा रिफ्रेश रेट भी मोटो G45 की डिस्प्ले का है 120 हर्ट्ज़ का, जो कि F15 में आपको मिलेगा 90 हर्ट्ज़। तो कुछ पॉइंट पर यहाँ G45 का डिस्प्ले भी बेहतर है। UI फीचर्स की बात करें तो सैमसंग F15 5G में आपको मिलता है सैमसंग का वन UI, मोटो G45 में आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड। अब यहाँ पर लुक एंड फील आप दोनों का देखोगे तो पर्सनली मुझे तो F15 5G का सैमसंग का वन UI ज़्यादा बेहतर लगा। सेटिंग्स का मेन्यू भी जब आप देखते हो तो रंग बिरंगा सा दिखता है F15 5G का UI, वहीं ब्लैक एंड वाइट दिखता है मोटो G45। फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही कुछ जेस्चर कंट्रोल्स दिए हैं जो कि ट्रेंडी हैं और दोनों ही डिवाइसेज में आपको देखने को मिलते हैं। ऐप्स के लिए डुअल ऐप्स आपको F15 5G में देखने को मिलता है, जबकि ऐसा कोई फीचर G45 में देखने को नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए दोनों ही डिवाइसेज में फेस अनलॉकिंग सिस्टम और साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो सिस्टम में जाकर मोटो G45 में आपको परफॉर्मेंस मोड देखने को मिलता है, मल्टीपल यूजर का फीचर देखने को मिलता है। F15 5G में मल्टीपल यूजर्स से मिलता जुलता ही एक सिक्योर फोल्डर नाम का फीचर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ F15 5G में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी देखने को मिलेगा, जो कि मोटो G45 में नहीं है। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F15 5G और मोटो G45 के कैमरे की बात करें तो रियर पर तो दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है प्राइमरी, लेकिन एक सपोर्टिंग कैमरा लेंस F15 में अल्ट्रा वाइड लेंस का एक्स्ट्रा दिया है, और ऐसा कोई लेंस आपको G45 में देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट पर भी G45 में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए, वहीं सैमसंग गैलेक्सी F15 5G में आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो वो सेम है, जैसे कि दोनों में ही आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है रियर और फ्रंट के लिए। इसके बाद स्लो मोशन का फीचर आपको दोनों में देखने को मिलता है, नाइट मोड भी आपको दोनों में दिया है। G45 की बात करें तो यहाँ पर डुअल व्यू वीडियो भी देखने को मिलेगा, जो कि F15 में नहीं है।
दोनों ही डिवाइसेस से आप 30 FPS पर फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन F15 5G में जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अल्ट्रावाइड फोटोज़ और वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हो जो कि G45 से पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की। तो यह हैं कुछ फोटोज़ जो मैंने दोनों ही डिवाइसेस से ऑटो मोड पर कैप्चर किए हैं और ऑटो मोड पर दोनों से ही आपको मिलता है 12 MP का फोटो। इसके अलावा G45 में आपको एक अननेसेसरी येलो टोन देखने को मिलेगी जो मैं पहले भी कई सारे रिव्यूज़ में अपने बता चुका हूँ। वाइट बैलेंस का इशू आपको देखने को मिलेगा जब आप डे लाइट में फोटोज़ कैप्चर करते हो या डायरेक्ट सनलाइट में फोटोज़ कैप्चर करते हो, तो ये आपके फोटोज़ को बड़ा ही अजीब सा बना देता है और इसके सामने F15 के फोटोज़ ज़्यादा नेचुरल नज़र आते हैं। कलर सैचुरेशन आपको G45 में थोड़ा सा ओवर देखने को मिलेगा, थोड़े से पंची और बूस्टेड कलर देखने को मिलते हैं। F15 5G में ये थोड़े से नेचुरल से शो होते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर बूस्टेड कलर अगर आपको पसंद आते हैं तो G45 के फोटोज़ आपको ज़रूर पसंद आएंगे। डिटेलिंग में दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल का परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर आप इस फोटो को देखोगे जो डायरेक्ट सनलाइट में कैप्चर किया गया है तो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज्ड फोटो कैप्चर हुआ है G45 में, जिस वजह से डिटेल्स इतनी अच्छी नहीं आती हैं और यहाँ F15 थोड़ा बहुत G45 के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म करता है। एक शेडो में लिया गया फोटो है, दोनों ही ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ भी मुझे F15 5G थोड़ा सा बेहतर लगा G45 से। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो डेप्थ सेंसर रियर पर आपको दोनों में से किसी में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर F15 5G का एज डिटेक्शन बहुत ज़्यादा बेहतर है मोटो G45 से। स्किन टोन दोनों ही डिवाइसेस में काफ़ी अलग अलग देखने को मिलती है और सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है जब आप चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशन में पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करते हो। उस कंडीशन में F15 5G थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, लेकिन G45 आपको काफ़ी कमाल के पोर्ट्रेट शॉट दे देता है। तो पर्सनली मुझे यहाँ G45 ज़्यादा बेहतर लगा। नाइट मोड की बात करें तो यहाँ कुछ ये परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगेन यहाँ भी मुझे मोटो G45 F15 से थोड़ा सा बेहतर लगता है। एकदम शार्प इमेजेस नाइट मोड में आते हैं, बैकग्राउंड की लाइट का एक्सपोजर लेवल भी यहाँ F15 से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा ब्राइटर फोटोज़ भी आपको देखने को मिलते हैं मोटो G45 में। फ्रंट कैमरे की बात करें तो पहला तो आप खुद जज करिए कि आपको इनमें से कौन सी सेल्फी ज़्यादा पसंद आती है। पर्सनली अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो मुझे यहाँ F15 ज़्यादा बेहतर लगा एज़ कम्पेयर टू मोटो G45। सबसे पहले अगर स्किन टोन की बात करें तो थोड़ी सी वाइटिश सेल्फी आपको देखने को मिलती है F15 से, जबकि मोटो G45 में एकदम रेडिश स्किन टोन देखने को मिलती है जो कि पर्सनली मुझे पसंद नहीं आई। डिटेलिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड मोड पर मोटो G45 से केवल आपको 4 MP की सेल्फी देखने को मिलती है, इसीलिए जब आप पिक्चर्स को जूम करते हो तो वहाँ पर मोटो G45 में बहुत ही बेकार डिटेलिंग देखने को मिलती है, इसीलिए हाई रिजोल्यूशन पर आपको अच्छी सेल्फी देखने को मिलेगी, तभी थोड़ी सी डिटेल्स अच्छी देखने को मिलेंगी। ब्यूटी इफेक्ट की बात करें तो जूम करके देखने पर पिक्चर्स की असलियत भी सामने आ जाती है। F15 5G यहाँ बहुत बेहतर परफॉर्म करता है ब्यूटी इफेक्ट के मामले में, जबकि G45 यहाँ भी काफ़ी बेकार है। स्पीड टेस्ट में यहाँ पर करने जा रहा हूँ, जहाँ पर एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स, गेमिंग, कॉमन यूज, मल्टीटास्किंग सारा कुछ कवर करेंगे और फिर ये जज करेंगे कि दोनों डिवाइसेस किस कंडीशन में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के इस स्पीड टेस्ट के रीस्टार्ट टेस्ट से, और जब तक दोनों डिवाइसेस होते हैं रीबूट, मैं यहाँ आपको बता दूं कि मोटो G45 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 प्रोसेसर, वहीं सैमसंग गैलेक्सी A15 5G में आपको मिलता है डायमेंसिटी का 6100+ प्रोसेसर। दोनों ही डिवाइसेस के यहाँ पर 8GB रैम वाले वेरिएंट यूज किए गए हैं और यहाँ पर मोटो G45 थोड़ा सा जल्दी रीस्टार्ट हुआ एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी F15। अब बात करते हैं एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स की, तो यहाँ टोटल दोनों का सेम है, कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले अगर CPU स्कोर्स की बात करें, यानी कि कॉमन यूज़ में दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं, तो उस कंडीशन में दोनों का ही स्कोर लगभग 1,30,000 के आसपास है, यानी कि N22 के मुताबिक कॉमन यूज़ में दोनों डिवाइसेस में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद GPU स्कोर्स की बात करें, यानी कि गेमिंग स्कोर की, तो वो दोनों का 0 है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस के 8GB रैम वाले वेरिएंट यूज किए गए हैं और यहाँ पर N22 3D का स्टैंडर्ड वर्जन रन होता है जो कि इन डिवाइसेस के हार्डवेयर के हिसाब से इन पर सपोर्ट नहीं करता। इसके बाद मेमोरी स्कोर्स की बात करें तो लगभग 90,000 के आसपास है दोनों ही डिवाइसेस का स्कोर, और अगर आप रैम और डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड का स्कोर देखोगे तो वहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि N22 के मुताबिक ये दोनों ही फ़ोन लगभग सेम ही परफॉर्मेंस देंगे। अब N22 के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च करके देखते हैं कि किस डिवाइस पर एप्लीकेशंस पहले लोड होते हैं, कौन सा डिवाइस ज़्यादा फास्ट परफॉर्म करता है प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर ये कैमरे का एप्लीकेशन लगभग सेम टाइम पर लोड हुआ। आगे चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ, तो ये मोटो G45 पर पहले लोड हुआ एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी F15, और यहाँ पर ये एक छोटा सा गेम है कैंडी क्रश, और ये देखते हैं पहले किस पर लोड होता है, तो ये भी मोटो G45 पर पहले लोड हुआ एज़ कम्पेयर टू F15 5G।
आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा हैवी गेम है और इसे देखते हैं पहले ये किस पर लोड होता है। तो अभी यहाँ रेस्पॉन्स टाइम की बात करें तो वो मोटो जी 45 का थोड़ा सा बेहतर रहा है F15 5G से, और गेम भी मोटो जी 45 पर पहले लोड हुआ। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने नोटिस की होंगी कि नेटिव एप्लीकेशंस थे, जो छोटे एप्लीकेशंस थे, वो एक दो F15 पर जल्दी लोड हो गए, लेकिन बाकी के जब सेम एप्लीकेशन दोनों ही डिवाइसेस पर लोड किए तो लगभग सारे के सारे एप्लीकेशंस मोटो जी 45 पर पहले लोड हुए हैं। यानी कि कॉमन यूज़ में प्रैक्टिकली मोटो जी 45 आपको थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस दे देगा। इसके बाद बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। अब क्योंकि N22 के स्कोर दोनों पर 0 मिले हैं तो यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं कि दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं। तो अभी जो आप गेम प्ले देख रहे हो ये है F15 पर, और इस समय मैं इस गेम को प्ले कर रहा हूँ मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर। ग्राफिक्स आप देख सकते हो ठीक ठाक हैं। इसके अलावा गेम प्ले की बात करें तो काफ़ी अच्छा गेम प्ले है, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, किसी तरह का कोई इशू यहाँ देखने को नहीं मिला, और मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने F15 पर बड़े आराम से रन कर सकते हो। लेकिन जब ये गेम मैंने हाई ग्राफिक्स पर स्विच किया तो भाई ग्राफिक्स काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ इशू भी देखने को मिलते हैं। मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहेगा वो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो हाई ग्राफिक्स गेमिंग के लिए 8GB रैम वाले वेरिएंट पर। पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा कि लैग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस हाई ग्राफिक्स के लिए आपका नहीं रहेगा, और मीडियम ग्राफिक्स गेम्स आप अपने F15 पर बड़े आराम से रन कर पाओगे। अब बात करते हैं मोटो जी 45 के बारे में। तो अभी ये जो आप गेम प्ले देख रहे हो ये है मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर मोटो जी 45 पर, और काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर अगर ग्राफिक्स की बात करूँ तो ये मुझे F15 5G से थोड़े से बेहतर लगते हैं, क्योंकि एड्रिनो के जो GPU होते हैं वहाँ पर गेमिंग में ग्राफिक्स आपको अनहेंस ही देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू माली GPU। इसके अलावा अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई इशू यहाँ देखने को नहीं मिलता। मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर मोटो जी 45 पर भी आप बिना किसी इशू के गेम्स रन कर सकते हो। अब बात करें अगर हाई ग्राफिक्स की तो सेम थोड़ा सा इशू देखने को मिला। पहला तो ग्राफिक्स की बात करें तो नो डाउट F15 5G से बेहतर ग्राफिक्स आपको मोटो जी 45 पर देखने को मिलते हैं, काफ़ी रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, बट साथ ही साथ आपको इशू भी देखने को मिलेगा जो आप F15 5G में देख चुके हो। स्मूथली या फिर कहें लैग फ्री गेम आप मोटो जी 45 पर भी हाई ग्राफिक्स पर रन नहीं कर सकते। हालांकि मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, और अगर गेमिंग में कंपेयर करें दोनों को तो थोड़ा सा मुझे मोटो जी 45 बेहतर लगा। तो यही बात कर लेते हैं बैटरी की। तो F15 5G में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी, और ये डिवाइस 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। मोटो जी 45 में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, और ये डिवाइस 18W की चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो यार सिंपल सा ये है कि F15 5G जिस हिसाब से ओवर प्राइस्ड आता है उस हिसाब से फीचर्स भी आपको G45 से बेहतर ही देखने को मिलते हैं। अब F15 अपनी प्राइसिंग को जस्टिफाई करता है या नहीं वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन अगर G45 से इसे कंपेयर करते हैं तो नो डाउट F15 5G में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ G45 उसके आसपास भी नहीं ठहरता है। हालांकि G45 जिस प्राइस पॉइंट पर आता है वहाँ G45 अपने आप में काफ़ी कमाल का डिवाइस है। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।